मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं 22 डेज से आपको कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं इंडिया चली गई थी। वहाँ भी मैंने काफ़ी एन्जॉय किया था, काफ़ी मज़ा आया था, बट गर्मी थी उधर। यहाँ आने के बाद जब मैंने अपने पौधों को देखा तो काफ़ी ठीक, सब कुछ ठीक था, कोई ख़राब नहीं था। यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा था इसलिए मेरे पौधे बच चुके थे, कोई ड्राई नहीं था, सब ग्रीन थे। वैसे यहाँ मेरी डॉटर रह रही थी, उसकी जॉब थी। वीक डेज में उसने पानी नहीं दिया था, बस सैटरडे संडे में पानी देती थी। उससे भी काफ़ी पौधों को फ़ायदा हुआ। फ्रेंड्स, आने के बाद मेरे माइंड में यही था कि मेरे पौधे ख़राब ना हो गए हों, पर मैं यहाँ आई तो काफ़ी हैप्पी थी क्योंकि मेरे सारे पौधे बचे हुए थे, कोई भी ख़राब नहीं हुआ था। आज मैं आपको उसी का, अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगी कि मेरे पौधे कैसे लग रहे हैं और कितने ग्रीन ग्रीन हो रहे हैं। बिलो को हम डे केयर में छोड़ कर गए थे, अब आने के बाद वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है क्योंकि मेरे इनके पेरेंट्स आए हुए हैं, तो इसको पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है। हो सकता है ये अपने आप को सेफ नहीं समझ रहा हो। देखिए किस तरह से हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड हैं और ये मेरी मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ हैं। कहो हेलो, आपको, आप सबको हेलो बोल रहे हैं। नटखट निगाहें कितने उससे देख रहा है, हमें देख रहा है। मैं आपको अपने गार्डन की ओवरव्यू दे देती हूँ। ये मेरी बीन्स की बेल काफ़ी अच्छे से चल रही है, अभी मैंने कल ही हार्वेस्टिंग की थी, काफ़ी इसमें फलियाँ आई हुई थी। देखिए ये मुझे बेल काफ़ी फलियाँ दे रही है, लगातार मुझे लग रहा है पूरे साल ही इसने फलियाँ दी हैं। को ओवरव्यू बाहर का दे देती हूँ कि मेरे पौधे कैसे चल रहे हैं। देखिए काफ़ी अच्छे से सब कुछ ठीक ठाक है। ये मेरी पार्सली है और देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, तोरी भी आई हुई हैं। जब मैंने आने के बाद देखा तो काफ़ी इसमें फ्रूटिंग हो रही थी। ये देखिए लॉन्ग बीन्स, मुझे बस इसी बात की खुशी है कि चलिए मेरे पौधे तो बच चुके। यदि गर्मी होती तो ये पौधे काफ़ी सूख चुके होते। चलिए मैं आपको एक चायोटे का फ्रूट और दिखाती हूँ जिसको मैं छोटा छोड़कर गई थी। देखिए कितना बड़ा है, पूरा जंबो साइज हो रहा है इसका। ऐसे काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में। और आपको दिखाती हूँ मैं तोरी, काफ़ी तोरी आई हुई हैं जिनको बोलते हैं गिलकी। ये देखिए कितनी अच्छी से फ्रूट्स आए हुए हैं। एक ही यार, काफ़ी लंबी इसकी बेल जा रही है। अपने अंदर अंदर देखते हैं कि कैसा है। आने के बाद मैंने काफ़ी क्लीन किया था। देखिए फ्लावर्स, यहाँ बीन्स आई हुई थी जो मैंने निकाल ली थी, कल हार्वेस्टिंग कर ली थी। ये करी पत्ते का भी पौधा काफ़ी अच्छे से चल रहा है।
मैं आपको जल्दी जल्दी दिखा देती हूँ। ये करेले की बेल है, देख रहे हैं आप कितना ग्रीन ग्रीन हो रहा है सारा। बीच बीच में बारिश भी हुई थी जिससे ये पौधे खराब नहीं हुए, काफी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए पौदीना, पर मैं इसको हार्वेस्ट करके इनकी ये टहनियाँ कट कर दूंगी जिससे ये बाद में और ग्रोथ हो सके। एक तोरी इधर आई हुई है, ये मेरी मालाबार स्पिनिच चल रही है, इसकी बेल भी काफ़ी लंबी हो गई है। ये मेरी लौकी के बेल है, ये भी काफ़ी अच्छे से चल रही है, पर लौकी इसमें आई थी जो ड्राई हो चुकी क्योंकि उनकी केयर नहीं हो पाई थी। देखिए किस तरह से इनकी ग्रोथ हो रही है। आपको बैगन भी दिखाती हूँ, देखिए बैगन भी आया हुआ है, कितने अच्छे से बड़ा हुआ है। ये मौसम से पहले हो चुके थे मेरे। ये संतरे हैं छोटे वाले, येलो हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसको थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट कर दूँगी, कटिंग कर दूँगी। तो कटिंग करने के बाद स्प्रिंग में ये काफ़ी अच्छे से और ग्रो करेगा। अब मैं आपको देखो, एक बैगन और दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए कितना हल्दी बैगन है, ये गोल बैगन है। ये करेले की बेल चली हुई है, ये चायवटे का प्लांट है जो इस पर फैला हुआ है, जीनिया फ्लावर। आपको मैं अभी जल्दी जल्दी वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। ये किस तरह से सब अच्छे से चल रहे हैं। ये देखिए टमाटर का पौधा, ये मैं जब गई थी काफ़ी छोटे थे, अब देखिए कितने बड़े बड़े हो गए हैं। ये देखिए टमाटर आए हुए हैं कुछ इसमें, ये रहे। अब आपको मैं फ्रूट्स दिखाती हूँ कि कितने सारे इसमें चायवटे के फ्रूट्स आए हुए हैं। देखिए एक ये रहा, वन मोर, इसमें तोरी भी है, और एक केरा, कुछ इसमें बीन्स भी आई थी पर मैंने वो कल हार्वेस्ट कर ली थी। एक ये और एक उधर आ रहा है, ये देखिए कितने मोटे मोटे आ रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं थी तो मैं इनको हार्वेस्ट नहीं कर पाई, तो ये और ज़्यादा बड़े हो गए। हरी मिर्च मेरी, देखिए हरी मिर्च काफ़ी रेड हो चुकी हैं, ये भी पौधे काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। कल आने के बाद मैंने इन्हें खूब अच्छी तरह से पानी दिया था। ग्रीन मिर्ची भी है इसमें, काफ़ी सारी आ रही हैं। अब जो ये ड्राई हो चुकी हैं, रेड हो चुकी हैं, मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी, उसके बाद इसमें और ग्रीन चिलियाँ निकलेंगी। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।